structure of crystalline silica. Last time हम लोगों ने vitreous silica के बारे में बात की थी. हमने देखा था कि vitreous जो word है इसका मतलब होता है glass-like. तो basically it is a glass-like silica जो देखने में बिल्कुल glass की तरह होता है और इसकी हमने मुख्तलिफ properties discuss की थी, physical properties. मसलन ये light से transparent होता है, मतलब इसके अंदर से light pass कर जाती है. ठीक है, डेफिनेटली ये ग्लास लाइक है तो इसके अंदर से लाइट पास ऑन कर जाती है. इसके अलावा हमने प्रॉपर्टीज़ में देखा था कि ये बहुत ही हाई टेम्परेचर के ऊपर भी रिफ्रैक्ट्री मटेरियल के तौर पे बिहेव करता है. ठीक है, स्टेबल रहता है. और उसके अलावा थर्मल एक्सपेंशन इसमें बहुत कम होती है, थर्मल एक्सपेंशन इसमें बहुत कम होती है, यानी हीट करो तो ये स्वेल बहुत कम करता है. ब्रिटल होता है और हार्ड होता है. इसके अलावा इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करता है. ठीक है, इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, इनसॉल्युबल इन वाटर. एंड फाइनली इट इज़ रेजिस्टेंट टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन. ये आपके पास मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ थी विट्रियस सिलिका की. आज जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा सा रिलेटेड है पिछले टॉपिक के साथ, यानी ये जो विट्रियस सिलिका था ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, दिस इज़ बेसिकली एन अमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका. इट इज़ नॉट अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, इट इज़ एन अमॉर्फस फॉर्म, यानी इसके अंदर कोई रेगुलर पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता, रैंडम एटम्स आपस में अटैच्ड होते हैं. होता सिलिका ही है, यानी सिलिकॉन और ऑक्सीजन ही के बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन कोई प्रॉपर शेप नहीं होती. हर सिलिकॉन चार ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होता है. ठीक है, फिर वो जो चारों ऑक्सीजन फर्दर एक एक सिलिकॉन के साथ बॉन्डेड होते हैं. ठीक है, एंड सो ऑन, ये पूरा स्ट्रक्चर फूला फैला हुआ होता है, लेकिन इसमें कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता. ठीक है, बट आज जो हम देखने लगे हैं दैट इज क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका, जिसके अंदर प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट होती है. जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है सिलिका की उसको हम एक नाम देते हैं विच इज बेसिकली क्वार्ट्स. ये वर्ड आपने इससे पहले भी सुना हुआ होगा. क्वार्ट्स जो है ये देखने में कैसा होता है, क्वार्ट्स इज समथिंग लाइक दिस. ये बिल्कुल आपको एक ग्लास नुमा एक सॉलिड है जो जमीन के अंदर से नेचुरली निकाला जाता है. क्वार्ट्स जो है ये पूरे के पूरे क्रिस्टल ज़मीन के अंदर से निकलते हैं. ठीक है, और ये बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स भी निकलते हैं, यानी 40 प्लस टन का एक एक क्रिस्टल भी ज़मीन के अंदर से निकल आता है. इतना बड़ा पूरा एक मतलब कमरे जितना क्रिस्टल ज़मीन के अंदर से भी निकल आता होता. ठीक है, तो ये बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं. और इन क्रिस्टल से आप फिर क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको हम ज्वेलरी में इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, कटिंग शटिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, सिरामिक्स के तौर पे आप इनको यूज़ कर सकते हो, ग्लासेस के तौर पे आप इनको यूज़ कर सकते हो. ठीक है, एंड ब्ला ब्ला, इनके बहुत सारे यूजेस हैं. आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गोइंग टू बी कि ये जो सिलिका का स्ट्रक्चर है जिसमें सिलिकॉन के साथ चार ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड होते हैं, 1, 2, 3. ठीक है, और कार्बन का जो स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन के साथ जो कि सिंपली एक लीनियर स्ट्रक्चर है, ये आपस में डिफरेंट क्यों है. एक हमारा जो मेजर आज का टॉपिक है दैट इज दिस कि कार्बन और सिलिकॉन में ऐसा क्या डिफरेंस है जिनकी वजह से इनके स्ट्रक्चर में इतना ज़्यादा फर्क आ जाता है. देखो इतना ज़्यादा फर्क मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ सॉलिड, ऑब्वियसली इट्स अ सॉलिड, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस. ठीक है, हालांकि सिलिकॉन एंड कार्बन एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो इनके ऑक्साइड्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा आपस में फर्क है. वंस अगेन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपेरेंट वाइल कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म इज नॉट. ठीक है, इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट. इसके अलावा सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज हार्ड एंड ब्रिटल बट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट. ठीक है, एंड देर आर अ लॉट ऑफ अदर डिफरेंसिस. यू कैन से सिलिकॉन मेक्स सिंगल बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन, कार्बन मेक्स डबल बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन, एंड सो ऑन. आप बहुत सारे डिफरेंसिस इनके आपस में बता सकते हो. बट ये सारे डिफरेंसेस क्यों हैं, हालांकि सिलिकॉन एंड कार्बन आर फ्रॉम द सेम ग्रुप एंड दे शुड एग्जिबिट द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज. जो सबसे बेसिक डिफरेंस है दैट कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि सिलिकॉन इज बिगर इन साइज. सिलिकॉन का जो एटम होता है वो साइज में, सिलिकॉन इज बिगर एटम देन कार्बन. यू नो कि कार्बन जो है इट्स एटॉमिक नंबर इज 6. ग्रुप 4A के अंदर सबसे टॉप पे हमारे पास कार्बन एटम है. ठीक है, एंड सेकेंड नंबर पे वी हैव सिलिकॉन एटम. ग्रुप नंबर 4A की बात करें, कार्बन हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 6 एंड सिलिकॉन हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ
14. लेकिन कार्बन के अंदर there are total of two shells. First shell में 2 electrons and second shell में 4 electrons. In silicon we have 3 shells. First shell has 2 electrons. Second shell has 8 electrons. And the third shell has 4 electrons. So definitely silicon atom is far bigger than carbon atom. The इसका जो radius है, atomic radius of carbon is 77 picometers, और जो silicon का है that is 117 picometers. अब होता ये है कि क्योंकि carbon का size छोटा है, तो इसका atom, let's say total ये इसका atom है, और silicon का size थोड़ा सा मैं बड़ा draw कर देता हूँ, ये आपके पास silicon का atom है. और अगर oxygen की बात की जाए तो ऑक्सीजन का एटम मैं रेड कलर से यहाँ पे बना देता हूँ. ये एक ऑक्सीजन का एटम है. ऑक्सीजन का एटम थोड़ा सा बड़ा होता है कार्बन से. वैसे एटॉमिक स्टेट में तो उसका एटम छोटा होता है, लेकिन चूंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच के साइज उसका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. ये बिल्कुल वही बात है कि कैटाइंस जो होते हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं और एनाइंस जो होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं. बिकॉज एनाइंस जो होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से साइज़ बड़ा हो जाता है. सो ऑक्सीजन इज़ अ लिटल बिगर इन साइज़, ये आप ऑक्सीजन कर लो. अब प्रॉब्लम ये है कि चूंकि कार्बन एटम होता है छोटा, तो उस वजह से वो कार्बन दो से ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स को स्पेस ही नहीं दे सकता कि वो उसके गिर्द सराउंड करें, ठीक है. लेकिन उसकी दूसरी तरफ इफ़ आई टेक दिस सिलिकॉन एटम जो कि साइज़ में थोड़ा बड़ा था, और अगर इसी साइड के इसी साइज़ के जो कार्बन एटम्स मैंने बनाए हैं इनको मैं मुख्तलिफ जगहों पे प्लेस करूँ इसके साथ, तो आई हैव एन ऑप्शन कि मैं इसके चारों तरफ प्लेस कर दूँ, ठीक है, और ये चार एटम्स के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड बना ले, ठीक है. और ये जो पॉसिबिलिटी है ये नहीं थी इन केस ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन में यहाँ पर आप साथ ला के रख नहीं सकते, वो पहले ही ऑलरेडी पूरी दोनों साइडों से उसने घेर लिया हुआ है उसको, ठीक है. सो दैट्स वाई जो असल रीज़न है जो गालिबा आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि सिलिकॉन का साइज़ बड़ा है तो वो बहुत आराम से स्पेस दे देता है अपने गिर्द का ऑक्सीजन एटम्स को. लेकिन जो कार्बन है इसका साइज़ छोटा होने की वजह से ये दो से ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स को सराउंड नहीं कर पाता. और कार्बन फिर क्या करता है कि अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए बजाय इसके कि एक तरफ ऑक्सीजन दो आ गए ना, उन्हीं दो ऑक्सीजन के साथ एक दफ़ा फिर से एक वीक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेता है, ये वीक पाई बॉन्ड बना लेता है और एक ही पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता. कार्बन डाइऑक्साइड इज मॉलिक्यूलर इन नेचर. और इसी तरह बहुत सारे CO2 के मॉलिक्यूल्स फिर रहे होते हैं और उनके दरमियान वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज होती हैं. लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है, जो कि यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, हम इसको कर लेते हैं कॉपी इस स्ट्रक्चर को. ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस नहीं होंगी बल्कि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे. और ये वाला पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज रिपीट होने लग जाएगा वन आफ्टर दी अदर, ठीक है. ये इसके साथ एक और आके पड़ा हुआ होगा एंड इसके आगे ये पूरा एक और पड़ा हुआ होगा एंड इसी के आगे एक पूरा ये और पड़ा हुआ होगा, ठीक है, एंड सो ऑन. ये पूरा स्ट्रक्चर रिपीट होने लग जाएगा. इसी तरीके से टॉप टू बॉटम अगर आप देखना चाहो तो ये इस तरीके से हर ऑक्सीजन के साथ यूं करके एक स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा होगा. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज कि आप इसको खुद ड्रॉ करके देखो कि ये कार्बन और ऑक्सीजन का जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का नेटवर्क है ये किस तरीके से फॉर्म होगा. ये मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज अभी ये खुद करवाना चाह रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आपको आइडिया हो कि हाउ दिस नेटवर्क ग्रोज. और ये पूरा एक नेटवर्क बन जाता है कार्बन और सिलिकॉन एटम्स का, जो कि कुछ ऐसा होता है. सी वी हैव एक्चुअली मेड अ प्रिटी इंटरेस्टिंग नेटवर्क. इस नेटवर्क के अंदर इफ़ यू सी ये जो वाइट कलर के डॉट्स हैं दीज आर योर सिलिकॉन्स, ठीक है, और रेड कलर में जितने भी हैं दे आर ऑल योर ऑक्सीजन एटम्स, सिलिकॉन्स एंड रेड कलर में ऑक्सीजन एटम्स, सिलिकॉन सिलिकॉन.
सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर को रीशेप किया है ताकि आप इसको एक पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझाने लगा हूँ आगे. नाउ इफ़ यू टोटल काउंट द टोटल नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स, तो आपके पास देखो एक लाइन में यहाँ पे चार सिलिकॉन्स, फिर ऊपर चार सिलिकॉन्स, फिर चार सिलिकॉन्स एंड फिर चार सिलिकॉन्स, यू हैव अ टोटल ऑफ 16 सिलिकॉन एटम्स. ठीक है, हम इसको सिलिकॉन ही के कलर में लिख देते हैं. देर आर 16 सिलिकॉन एटम्स. एंड इफ़ यू टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आप काउंट करो, रेड बॉल्स आप काउंट करो, सो रेड बॉल्स आपके पास कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, एंड दे मेक 32 बॉल्स. सो ऑक्सीजन जो हैं आपके पास टोटल 32 हैं. और अगर यही वाला पूरा नेटवर्क आप ग्रो कराते जाओ, यू विल कम अक्रॉस द फैक्ट कि हो ये रहा है कि ऑक्सीजन एटम्स सबमिटेड टू टाइम्स द सिलिकॉन एटम्स होते हैं. इसी वजह से हम कहते हैं कि सिलिका जो का जो फॉर्मूला है दैट इज SiO2, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सॉरी जो फॉर्मूला है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, जो फॉर्मूला है ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है. यानी ऐसा नहीं है कि एक सिलिकॉन दो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और फिर अगेन एक सिलिकॉन दो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे नहीं है. हर सिलिकॉन बेसिकली चार चार ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन SiO2 जो नाम दिया गया है इसको, यो इस वजह से दिया गया है कि इसके पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर हर सिलिकॉन के साथ आप कह सकते हो कि दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं, क्योंकि टोटल ऑक्सीजन जितने भी हैं वो सिलिकॉन से दो गुना है. ठीक है, सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि सिलिका का जो फॉर्मूला है दैट इज SiO2. और ये एक पूरा बहुत ही जॉइंट नेटवर्क बन जाता है जिस तरह हमने ऊपर भी बना के देखा. और अगर इसको आप 3D के अंदर विजुलाइज करो, ये तो अभी मैं आपको 2D में दिखा रहा हूँ, सिलिकॉन का एक एटम होता है, ठीक है, एट द सेंटर, बिल्कुल उससे ऊपर करके एक एटम होता है ऑक्सीजन का, और फिर नीचे तीन जगहों के ऊपर तीन मजीद ऑक्सीजन एटम्स होते हैं जो कि टेट्राहीड्रली जुड़े हुए होते हैं. एक ये एंगल बनता है यूं करके, एक ये बनता है, ठीक है, ये 109.5 होता है. ये वाला जो ऑक्सीजन है ये बिल्कुल आपकी तरफ आ रहा है, और ये वाला ऑक्सीजन जो है ये पेज से थोड़ा अंदर की तरफ जा रहा है. टेट्राहेड्रॉन आपने देखा हुआ है ना, टेट्राहेड्रॉन आपने अगर प्रिज्म देखा हुआ है, प्रिज्म आपको पता है ना कैसा होता है, ये एक प्रिज्म पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर प्रिज्म के चारों कोनों की तरफ मैं चार ऑक्सीजन एटम्स लगा दूँ, ठीक है, और ये जो नीचे वाली सर्फेस है इसके ऊपर तीन ऑक्सीजन, और प्रिज्म के बिल्कुल सेंटर के ऊपर, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ प्रिज्म, इट्स अ टेट्राहेड्रॉन, बेसिकली इस शेप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन. आप एक टेट्राहेड्रॉन लो, ठीक है, और उस टेट्राहेड्रॉन के बिल्कुल सेंटर के ऊपर आप एक सिलिकॉन एटम रख दो, और उस टेट्राहेड्रॉन के जो चार कोने हैं ना उनके ऊपर आप ऑक्सीजन रख दो, तो ये स्ट्रक्चर होता है SiO2 का. इसी तरह ये पूरा पैटर्न आगे कंटिन्यू होता रहता है और एक जॉइंट नेटवर्क बन जाता है जो कि 2D के अंदर इस शेप का होता है, और 3D के अंदर आप इसको एक्सटेंड करके देख सकते हो कि वो कैसा होगा. इसके बाद ये एक फैक्ट कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है, चूंकि इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ये जिस तरह आपको ऊपर नजर आ रहा है, अब लेट्स से कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की ये बाउंड्री है, ठीक है, बाउंड्री का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक प्लेट है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की या एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो उसमें जो सरफेस के ऊपर एटम्स होंगे वो किस चीज़ के साथ बॉन्डेड होंगे, क्योंकि आपने देखा कि सरफेस के ऊपर तो उनकी बॉन्डिंग्स पूरी ही नहीं हुई हुई होंगी. अब ये देखो ये वाला जो सिलिकॉन है, दिस वन जिसको मैं अभी ग्रीन से हाईलाइट करने लगा हूँ, ये जो सिलिकॉन है ये कितने ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, 1, 2, 3, यानी इसकी बॉन्डिंग सेटिस्फाइड नहीं है. सिमिलरली ये वाला जो सिलिकॉन है ये वाला कितना ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, 1, 2, 3, यानी इसकी भी बॉन्डिंग सेटिस्फाइड नहीं है. सो ये वाले जो सिलिकॉन एटम्स हैं जो सरफेस के ऊपर होते हैं ये सेटिस्फाइड नहीं होते, यानी इनके बॉन्ड्स अभी बाकी होते हैं, सो दे आर अनस्टेबल, ठीक है. और यही वजह है कि जो सिलिका की सरफेस होती है ना, आप कोई भी क्वार्ट्स लो, उसकी जो सरफेस होती है, सरफेस जो है वो काफ़ी रिएक्टिव होती है, लेकिन सिलिका का जो स्ट्रक्चर अंदर से वो अनरिएक्टिव होता है, ठीक है. सरफेस के ऊपर रिएक्टिविटीज हाई क्योंकि सरफेस के ऊपर बॉन्ड्स पूरे नहीं हुए बने हुए होते, लेकिन अंदर जो है वो कम रिएक्टिविटी होती है. अभी तक जो आप पढ़ रहे हो दिस इज बेसिकली क्रिस्टलाइन सिलिका, यानी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर सिलिका एग्जिस्ट करती है, SiO2 इसका फॉर्मूला बना सकते हो सिलिका का. और ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है दैट इज ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्स. ट्राइगोनल स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आपने सात क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़े थे ना, 7 crystal systems, उनके अंदर एक क्रिस्टल सिस्टम था ट्राइगोनल सिस्टम. और ट्राइगोनल सिस्टम में ये होता है कि यू हैव
एक आप क्यूब का तो आपको पता है ना, ये सबसे बेसिक जो शेप होती है क्यूबिक सिस्टम. क्यूबिक सिस्टम में इस लेंथ को हम बोलते हैं ए, इस लेंथ को हम बोलते हैं बी, और ये जो हाइट होती है इसको हम बोलते हैं सी. ठीक है, इसी तरह ये वाला जो एंगल होता है बिटवीन सी एंड ए इसको हम बोलते हैं बीटा, बिटवीन बी एंड सी जो एंगल बनता है हम इसको बोलते हैं अल्फा, और बिटवीन ए एंड बी जो बनता है ये वाला एंगल इसको हम बोलते हैं गैमा. अब होता ये है, रोम्बो जो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है ना क्यूबिक सिस्टम में, तो आपको पता है कि ए बी और सी तीनों बराबर होते हैं, और अल्फा बीटा गैमा जो होते हैं ये तीनों 90 डिग्रीज के बराबर होते हैं. क्यूबिक सिस्टम में ये होता है, लेकिन ट्राइगोनल सिस्टम में ये होता है कि ए और बी बराबर होते हैं लेकिन सी उनके बराबर नहीं होता. मसलन आप ऐसे करो कि आप इस तरह का एक क्यूबॉइड नुमा चीज़ बना दो जिसमें नीचे जो सरफेस है वो एक स्क्वायर ही हो, लेकिन ऊपर आपके पास डब्बा थोड़ा ज़्यादा लंबा हो. यानी ये वाली जो लेंथ है ये ए और ये वाली जो लेंथ है ये बी, ये दोनों इक्वल हों, लेकिन ये जो हाइट है सी ये इन दोनों के इक्वल ना हो. ठीक हो गया. और एक और रूल कि अल्फा और बीटा जो एंगल्स हैं ये आप 90 डिग्रीज ही रखो, ये वाले जो दो एंगल्स हैं, लेकिन जो गैमा एंगल है आप इसको 90 की बजाय आप इसको चेंज करके 120 डिग्रीज रख दो. ठीक है, यानी ये वाला एंगल आप 120 कर दो तो ये आपके पास थोड़ा सा स्ट्रेच आउट हो जाएगा, इस तरह करके बन जाएगा ऊपर जो सरफेस बनेगी. ठीक है, ऊपर सरफेस आपकी कुछ ऐसे बन जाएगी, नीचे आपके पास वही कंटिन्यू हो रहा होगा सारा, जो ऊपर आपने जैसी शेप बनाई नीचे आपके पास वैसी ही शेप अचीव हो जाएगी. और ये वाला जो एंगल है दिस इज 120 डिग्रीज. इस तरह का जो अगर आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो, यूनिट सेल हो, तो उसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल सिस्टम. और जो क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स क्या चीज़ है, क्वार्ट्स इज बेसिकली क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका. तो सिलिका जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में ट्राइगोनल सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता है. जो क्वार्ट्स का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको हीट अप करो, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को अगर आप हीट करो, इसके मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाओ, तो क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा. और उस लिक्विड को फिर आप ये करो कि उसको आप एकदम ठंडा करो. ठीक है, उसको आप कूल करो. अच्छा, ये बिल्कुल वही बात है कि आपके पास था मसलन आइस थी, और आइस को आप उसके मेल्टिंग पॉइंट पे ले आओ. आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस. आपने बर्फ़ को रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर आप रख दो तो क्या होगा, वो वाटर के अंदर चेंज हो जाएगी, लिक्विड वाटर के अंदर. उस आप लिक्विड वाटर को आप ऐसा करो कि उसको दोबारा ठंडा करो, लेकिन एकदम ठंडा कर दो, स्लो स्लो नहीं ठंडा करना, क्योंकि अगर आप स्लो ठंडा करोगे तो क्या होगा कि वो दोबारा क्रिस्टल्स बन जाएंगे उसके. क्रिस्टल जो होते हैं पानी के उसको आइस कहते हैं. आप ऐसे करो कि उसको एकदम ठंडा करो. ये जो एकदम ठंडा करने का प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं सुपर कूलिंग. ठीक है, आप क्या करो कि आप पानी को सुपर कूल करो, तो बजाय इसके कि वो जीरो, और फिर सुपर कूल करके उसको जीरो टेम्परेचर पे ले आओ, तो जीरो टेम्परेचर पे आके फिर वो आइस नहीं बनेगा बल्कि वो पानी ही रहेगा. ठीक है, इस प्रोसेस को हम फिजिक्स के अंदर सुपर कूलिंग बोलते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में भी इसकी काफ़ी एप्लीकेशन है. तो आप क्या करो कि क्वार्ट्स को आपने मेल्ट किया था ना, अब वो लिक्विड फॉर्म में आ गया था क्वार्ट्स, और लिक्विड फॉर्म में तो डेफिनेटली उसका स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सॉलिड्स के होते हैं सिर्फ. अब उस लिक्विड को आप क्या करो कि आप उसको दोबारा से उसका टेम्परेचर डाउन करो, लेकिन वो आप उसको सुपर कूल कर दो. सुपर कूल करने का मतलब है एकदम उसका टेम्परेचर आप ड्रॉप ड्रॉप करो, ताकि वो कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अटेन ही ना कर सके. ठीक है, और वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अटेन नहीं किया होगा, और आप उसको उसके इस मेल्टिंग पॉइंट से भी नीचे लेके आ जाओगे. ठीक है, यानी वो अंडर कूल हो जाएगा, और जब वो अंडर कूल हो जाएगा फिर वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, वो सॉलिड तो बन जाएगा, लेकिन अब जो सॉलिड बनेगा वो क्रिस्टलाइन नहीं होगा बल्कि अमॉर्फस होगा, क्योंकि क्रिस्टल बनने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो तो आपने दिया ही नहीं उसको. ठीक है, आपने उसको अंडर कूल किया और उसको फौरन सॉलिड बना दिया आपने, रिज फॉर्म उसने अटेन कर ली. ये जो सॉलिड होता है इस सॉलिड को हम बोलते हैं विट्रियस सिलिका. और अब आप मेरे ख्याल में लिंक कर सकोगे कि जो आज के लेक्चर के हमने स्टार्ट में बात की थी विट्रियस सिलिका की प्रॉपर्टीज, विट्रियस सिलिका इज बेसिकली एन अमॉर्फस फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सिलिका. और क्रिस्टलाइन सिलिका या जो क्वार्ट्स है, आप इसको जब मेल्ट कर देते हो और फिर उसको सुपर कूल करते हो, तो वो जो सिलिका की फॉर्म आती है उसको हम बोलते हैं फिर विट्रियस सिलिका. ठीक है, सो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ व्हाट वी सॉ टुडे. आज हमने देखा कि सिलिका बजाते खुद क्या चीज़ है. ठीक है, सिलिका में हर सिलिकॉन के गिर 4 ऑक्सीजन होते हैं, और सॉरी
जो इससे हमने नेक्स्ट चीज देखी कि सिलिका का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं क्वार्ट्स। क्वार्ट्स जो है वो ज़मीन के अंदर मिनरल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और प्योर क्वार्ट्स ज़मीन के अंदर से पाया जाता है। इसके अंदर अगर इम्प्योरिटीज़ हों तो इसका कलर चेंज हो जाता है, प्योर फॉर्म के अंदर दिस इज़ ट्रांसपेरेंट, और इसकी ये एप्लीकेशंस हमने देखी। उसके अलावा हमने देखा कि देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस डिफरेंस को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की यूजिंग द बिगर साइज ऑफ सिलिकॉन एटम। और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक पूरा नेटवर्क जॉइंट स्ट्रक्चर बना के देखा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, और फिर उसके अंदर से हमने काउंट किए सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम्स, एंड वी केम टू द कंक्लूजन के ऑक्सीजन एटम्स आर टू टाइम्स द नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स। उसके बाद हमने ये देखा कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है 3D के अंदर वो किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। इट्स अ टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, हर सिलिकॉन के चार तरफ को ऑक्सीजन एटम्स जुड़े हुए होते हैं। और फिर हमने देखा कि क्यूबिक सिस्टम जो है वो क्वार्ट्स का क्या होता है, वो ट्राइगोनल सिस्टम होता है फॉर क्वार्ट्स। फाइनली हमने ये देखा कि क्वार्ट्स जो है उससे अगर आपने विट्रियस सिलिका अचीव करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, क्वार्ट्स को आप हीट करते हो, उसको मेल्ट कर देते हो, और फिर उसको आपने सुपर कूल करना है, ठीक है, यानी फौरन एकदम आपने उसको कूल कर देना है, उसके बॉइलिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे तक आप उसको कूल करते रहोगे, और फिर एक वक्त आएगा कि वो सॉलिडिफाई होगा और उसके अंदर फिर रेगुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होगा, उसको हम विट्रियस सिलिका कहते हैं। इन द कमिंग अप लेक्चर, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, उसके अंदर हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो क्वार्ट्स है ये कितनी फॉर्म्स का होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वार्ट्स, और क्वार्ट्स की क्या क्या एप्लीकेशन है इन डिफरेंट फॉर्म्स की, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।